श्री अरुण सिंह रावत IFS महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा 4 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2022 तक हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला का 2 दिवसीय दौरा किया गया। अपने पहले दिन के दौरे के दौरान श्री रावत ने संस्थान में चलाई जा रही अनुसंधान गतिविधियों का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया। प्रारंभ में डॉक्टर SS सामंत, निदेशक हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने संस्थान में महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का स्वागत किया। उन्होंने संस्थान के मैंडेट्स और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुश्क वाला और कड़ू की किस्मों को विकसित करने और जारी करने के लिए शुरू किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला और उन्होंने संस्थान द्वारा विकसित की गई 3 महत्वपूर्ण तकनीकों के बारे में बताया, जैसे बागवानी, वृक्षारोपण के साथ उच्च ऊंचाई वाले औषधीय पौधों के इंटरक्रॉपिंग मॉडल, वेलेरियाना जटामांसी और पिक्रोराजा कड़ुआ की मैक्रो प्रोलीफरेशन तकनीक और संस्थान द्वारा विकसित जूनिपर पॉलीकार्पस की प्रसार और नर्सरी तकनीक। अपनी यात्रा के पहले दिन के दौरान श्री रावत ने HFRI परिसर में प्रयोगशालाओं, हर्बेरियम और नवनिर्मित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र का भी दौरा किया। इसके बाद उन्होंने वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट अर्बोरेटम पॉटर हिल शिमला का भी दौरा किया। इस अर्बोरेटम में 120 देसी वृक्ष प्रजातियां लगाई गई हैं। महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ने अर्बोरेटम में किए गए कार्य की सराहना की और अर्बोरेटम को और अधिक विकसित करने का सुझाव दिया। डॉक्टर संदीप शर्मा, वैज्ञानिक जी एवं GCR ने संस्थान द्वारा की जा रही उपलब्धियों, चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति और विस्तार गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। अंत में डॉक्टर RK वर्मा, वैज्ञानिक जी ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।